हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक नई भर्ती निकली है जिसके बारे में आप लोगों को बताना है, तो स्वागत है आपका शुभ अपडेट्स में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब के सभी अपडेट्स मैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे दे दूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भर्ती किस चीज़ की निकली है। भर्ती निकली है इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर की, किस में, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें काफ़ी अच्छी जॉब है। एसएससी सीजल में अगर हम बात करें, एसएससी सीजल की जो सैलरी होती है उसमें जो इंस्पेक्टर को सैलरी मिलती है उससे भी कहीं ज़्यादा सैलरी इसमें मिलती है। अगर हम बात करें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, एक पोस्ट होती है आपके एसएससी सीजल में जिसका ग्रेड पे होता है 4800। ठीक है, उसके लेवल की पोस्टिंग है, काफ़ी अच्छी जॉब है। तो पूरे डिटेल में पूरी वीडियो को देखना, सारे ही डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको कि सैलरी कितनी मिलेगी, पेपर का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, किस इस तरह से पूरा प्रोसेस चलने वाला है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे वैकेंसी देख लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी है। यूआर कैटेगरी से 168 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 116, एससी की 62, एसटी कैटेगरी से 33 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूसी एस से 42, और पीएच कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, इनके लिए 11 वैकेंसीज हैं। टोटल 421 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इन सभी कैटेगरीज की मिला दें तो 421 वैकेंसीज बनती हैं, जिनमें से 11 वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं पीएच कैटेगरी के लिए। क्लियर। अगर हम बात करें इसका, अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो फॉर्म की फ़ीस इसकी 25 रुपये है। एससी एसटी पीएच एंड वुमेन के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सभी ग्रेजुएट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी कर रखी है, किसी भी फील्ड में कर रखी है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में देखा अकाउंट ऑफिसर देख के आपको लग रहा होगा कि कॉमर्स वालों के लिए ही है, ऐसा नहीं है। हर ग्रेजुएट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती है, मतलब अगर आपने जैसे ये डिग्री कर रखी है, बैचलर्स डिग्री इन लॉ, इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स डिग्री इन लॉ, ये सब कर रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए आसान रहेगा काम को करना। लेकिन अगर आप सिंपल ग्रेजुएट भी हो तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, काम आप ट्रेनिंग के दौरान सीख जाओगे, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आने वाली। ठीक है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी होता है और ये परमानेंट जॉब है, ऐसा नहीं है कि फिक्स परमानेंट नहीं है, परमानेंट जॉब आपको मिलेगी। सैलरी की बात कर लेते हैं, सैलरी ये लेवल 8 में आता है। ग्रेड पे की बात करें 4800 ग्रेड पे है, तो अगर हम इसके बेसिक पे की बात करें 47600 बेसिक पे है, जो आपको इनहैंड सैलरी मिलेगी ज्वाइन करने के बाद। अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलो कि 60,000 के आसपास आपको इनहैंड सैलरी मिल जाएगी जब आप ज्वाइन करोगे। और ग्रॉस सैलरी की बात करूँ, ग्रॉस सैलरी आपकी इस केस में जब आप ज्वाइन करोगे, क्योंकि अभी पेपर होगा ये आपका अक्टूबर में जाके इसका टीयर 1 एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, जब आप ज्वाइन करोगे तब तक जो आपको इनहैंड सैलरी हो चुकी होगी इस पोस्ट के लिए वो लगभग 60,000 से ऊपर चली जाएगी। इनहैंड सैलरी की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, एचआरए वगैरह मिला लेते हैं अगर इसमें हम। ठीक है, और अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें, ग्रॉस सैलरी इसकी 75,000 से ऊपर जाने वाली है। ठीक है, काफ़ी अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल रही है, तो इस जॉब को नहीं छोड़ना है। अभी हम आगे भी बातें करेंगे। एज की बात करें, अगर हम 30 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो अगर आपकी एज 30 साल से कम है। एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर हम बात करें एस सी एस टी कैटेगरी तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का, और पीएच कैंडिडेट्स को 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक, और अगर आप पीएच कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो, साथ ही साथ एससी एसटी से भी बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन प्लस हो जाएगा, तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लियर। वर्क प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे वर्क प्रोफाइल के बारे में सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। बेसिकली अकाउंट्स आपको संभालने होंगे, ठीक है, लीगल काम रहेगा थोड़ा बहुत, तो ये सारी चीज़ें हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में। वर्क प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छी है इसकी। अगर हम बात करें इस फॉर्म को फिल करने की, जो लास्ट डेट है वो है 31/1/2020, मतलब 31 जनवरी तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो रात के 12 बजे तक। अगर हम बात करें यहाँ पे एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी एलिजिबिलिटी की हमने बात करी, जो ग्रेजुएशन है आपकी इस डेट तक ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर आपको जो भी चीज़ें हैं इस पोस्ट के लिए, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है ग्रेजुएशन का या कुछ और भी, तो वो इस तारीख से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, 31 जनवरी से पहले आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। जो इसमें क्या होगा, 2 फेसेस होने वाले हैं। ठीक है, बस 2 ही फेस से गुजरना पड़ता है। जैसे ऐसे सीजीएल में आपके 4 फेस होते हैं, इसमें ऐसे 4 फेसेस नहीं है, सिर्फ 2 फेस हैं। एक है रिक्रूटमेंट टेस्ट, जिसे हम प्रीलिमरी टेस्ट भी कह सकते हैं, टीयर 1 आप कह सकते हो, कुछ भी कहो। ठीक है, एक सिंपल सा टेस्ट होगा रिक्रूटमेंट टेस्ट, जिसकी 75% वेटेज रहेगी, और एक होगा पर्सनल इंटरव्यू, जिसकी वेटेज रहेगी 25%। ठीक है, दोनों के मार्क्स लास्ट में ऐड किए जाएंगे और उसके बाद मेरिट बनेगी आपकी, तो दोनों ही एग्जाम्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि वो किस तरीके से होगा। ठीक है, जो आपका एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 4 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, 4 अक्टूबर 2020 को भी एग्ज़ाम होगा आपका। एग्ज़ाम के अंदर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, MCQ होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के, 4 ऑप्शन होंगे, 1, 2, 3, 4।
ठीक है, सही करने पे पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। एसएससी में आपके क्या होते हैं, 1/4 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे 1/3 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। तो तुक्के वगैरह आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, वो वाला एडवांटेज जो आपको एसएससी एग्जाम्स में मिलता है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है। क्लियर। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, इसमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, जैसे इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, करंट इवेंट्स हो गए, डेवलपमेंट इशूज हो गए, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी हो गया, तो जनरल अवेयरनेस पूरा आएगा यहाँ पे। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, क्वांट यहाँ पे भी आपका पूछा जाएगा, जो सीरियस लेवल का क्वांट का होता है पेपर वैसा ही यहाँ पे कुछ आएगा, और जनरल अकाउंटिंग, ठीक है। दो चीज़ यहाँ पे आप नोट करोगे, एक तो अकाउंटिंग यहाँ पे आपको आनी चाहिए, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए, तो बेसिक अकाउंटिंग अगर आप सीख के जाओगे तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे एमसीक्यू बेस्ड, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता इस एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आप डेफिनेटली कर ही लोगे, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से भी हो तो भी अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, ठीक है। तो अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स करके जाओगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, 11th क्लास के टी एस ग्रेवाल की बुक आती है वो देख सकते हो, वरना और भी अकाउंटिंग कहीं से भी आप कर लोगे थोड़ा बहुत आपको पता है तो कर लोगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह चेक करोगे, मॉक टेस्ट सीरीज दोगे तो हो जाएगा वो। और अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस पे, आपको यहाँ पे पकड़ बनानी पड़ेगी, जनरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना, बीच में ये सारा जनरल अवेयरनेस ही है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस पे कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए। पेन एंड पेपर मेड होगा या कंप्यूटर पे एग्जाम नहीं होगा आपका, ठीक है, ओएमआर सीट पे होगा, तो उस टाइप से पेन एंड पेपर मेड होने वाला है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो पैटर्न थोड़ा सा अलग है, इंग्लिश वही है, क्वांट वही है, जनरल अवेयरनेस वही है, लेकिन थोड़ा जनरल अवेयरनेस को डीप में पढ़ना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी में भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा है एसएससी सीजीएल से, लेकिन इसका फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, सिर्फ दो ही फेसिस में आपका पेपर खत्म हो जाएगा। टीयर वन एग्जाम की डेट आपको मिल चुकी है 4 अक्टूबर, टीयर टू एग्जाम की डेट अभी तक नहीं आई है, ठीक है, वो यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको पता चलेगी, ठीक है, ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है। अगर हम बात करें एग्जाम सेंटर्स की, तो ये सारे एग्जाम सेंटर्स हैं, आपको जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, तो इनमें से एग्जाम सेंटर्स आप चूज कर सकते हो, वहाँ पे आपका एग्जाम पड़ जाएगा। अगर हम बात करें लास्ट चीज़ जो इसकी जॉब के बारे में रह गई है, डेट इज़ हेडक्वार्टर, इस जॉब का हेडक्वार्टर मतलब जो ईपीएफओ का हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और जो पोस्टिंग होने वाली है आपके ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है, ठीक है, तो कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है, ठीक है। फॉर्म को फिल करने की फीस 25 रुपये, जैसे कि मैंने पहले बताया, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इस पोस्ट के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अप्लाई कर दो, सिर्फ 25 रुपये का फॉर्म है, यूआर कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए तो फ्री भी है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 25 रुपये का फॉर्म है, फिल कर दो, और तैयारी भी आप अच्छे से कर सकते हो, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 9 महीने आपके पास है, बहुत टाइम है, बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हो, बाकी एग्जाम्स दे रहे हो एसएससी के साथ साथ भी आप इसे लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सैलरी मिल रही है आपको एसएससी सीजीएल से ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। एसएससी में सपोज करो आप इंस्पेक्टर लगते हो, इंस्पेक्टर से भी ज़्यादा सैलरी इस पर मिल रही है, और अगर बाई चांस आप इंस्पेक्टर नहीं बन रहे, आप टैक्स असिस्टेंट या ऑडिटर वगैरह कुछ बन रहे हो, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप इस जॉब में सेलेक्ट होते हो, तो इस फॉर्म को आप सभी लोगों को फिल कर देना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ आपसे यही बता लेता हूँ, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।